सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेनबो पार्ट टू के क्रॉस सेक्शन का एक शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नैप पढ़ने जा रहे हैं। यह शॉर्ट स्टोरी सैटिरिकल शॉर्ट स्टोरी है, मीन्स व्यंगात्मक शॉर्ट स्टोरी है। यह शॉर्ट स्टोरी मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि यह अ पिंच ऑफ स्नप का क्या मतलब होता है। देखिए, पिंच का मतलब क्या होता है? पिंच का मतलब चुटकी भर होता है। और स्नप का मतलब क्या होता है? स्नप का मतलब होता है हम लोग के यहाँ तंबाकू जो होता है उसे लगाया गया एक तंबाकू जिसे सूंघने के लिए यूज किया जाता है। नहीं, यहाँ पर बनाए हुए तंबाकू लगा सकते हैं आप, बनाए हुए तंबाकू जिसका यूज आप गांव में देखते होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे या हैं भी, तो वे लोग तंबाकू के एक चुटके को अपने नाक में उसे स्निफ करते थे, नहीं सूंघते थे। तो यहाँ पर अ पिंच ऑफ स्नप का मतलब है बनाए हुए तंबाकू की एक चुटकी। यह मनोहर मालगांवकर द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मनोहर मालगांवकर कौन है। नहीं, यह मनोहर मालगांवकर, इनका जन्म, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो हुआ है, नहीं, यह इनका जन्म कर्नाटक स्टेट के, नहीं, करवार डिस्ट्रिक्ट, ध्यान रखिएगा, करवार डिस्ट्रिक्ट के जगलबेट विलेज है और करवार डिस्ट्रिक्ट अभी यह कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, दिख रहा है, तो कर्नाटक में पड़ता है और यह करवार डिस्ट्रिक्ट बेगम डिस्ट्रिक्ट के पास है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ है जगलबेट। इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मतलब नाना जी थे, ठीक है, तो इनके मैटरनल ग्रैंडफादर ये ग्वालियर स्टेट के गवर्नर थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ ग्वालियर स्टेट। मनोहर मालगांवकर के इनकी शिक्षा शुरू हुई बेगम डिस्ट्रिक्ट से, मतलब बेगम जगह से, और ये ग्रेजुएटेड हुए। ठीक है, यह ग्रेजुएशन किया है यह मुंबई यूनिवर्सिटी से। इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेगम से हुई थी, यह बेगम डिस्ट्रिक्ट है और कर्नाटक में ही आता है, यह करवार डिस्ट्रिक्ट के नजदीक ही है। तो यहाँ बेगम में इनके शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई और मुंबई यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट हुए। ग्रेजुएशन होने के बाद में ये आर्मी में ज्वाइन हुए। ठीक है, और आर्मी में मराठा लाइट इन्फेंट्री, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आप समझ गए हैं तो मिटा दीजिए। ठीक है, ये मराठा लाइट इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर 39 इयर्स तक इंडियन आर्मी में इन्होंने सेवा दिया है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर, नहीं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट, तो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर ये, नहीं, 39 इयर्स तक इन्होंने भारतीय आर्मी में, इंडियन आर्मी में इन्होंने सेवा दिया है। ठीक है, 39 इयर्स में ये रिटायर्ड हुए हैं।
तो आप समझ गए होंगे कि मनोहर मालगांवकर के बारे में इतना चीज नहीं। आपको एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि इनका जो जन्म हुआ है ये कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है आपको यह जगलबेट विलेज, यह कहाँ है, करवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, यह कर्नाटक में आता है और करवाड़ डिस्ट्रिक्ट बेगम डिस्ट्रिक्ट के पास ही है, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वे बेगम से शुरू हुआ था और यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे। इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वे गवर्नर थे ग्वालियर स्टेट के, ठीक है। और ये मराठा लाइट इन्फेंट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर इंडियन आर्मी में नहीं ज्वाइन हुए थे और अपनी सेवा 39 ईयर्स तक दिया और देन ही रिटायर्ड फ्रॉम नहीं इंडियन आर्मी से तब रिटायर हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मनोहर मालगांवकर के बारे में क्या कह रहा है। देखिए यहाँ मनोहर मालगांवकर बॉर्न 1913, इनका जन्म 1913 में हुआ था। इज अ वेल नोन नॉवलिस्ट, ये वेल नोन का मतलब क्या होता है, विख्यात नॉवलिस्ट उपन्यासकार हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाकार लेखक विद ओवर 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, और उनके नाम में नहीं उनके क्रेडिट में उनके नाम में 25 प्रकाशन से ज्यादा है नहीं। तो यहाँ पर मनोहर मालगांवकर के बारे में आपको समझ में आ गया कि मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 में हुआ है, जगलबेट विलेज करवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये एक सुविख्यात नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और इनके नाम में 25 पब्लिकेशन से ज्यादा इन्होंने नहीं रचनाएं लिख चुके हैं। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इंक्लूड शामिल है नहीं डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेन इन द गंगेज। ध्यान रखिएगा अ बेन इन द गंगेज कई बार पूछ चुका है कि यह किसने लिखा था, एंड बॉम्बे बीवियर, यह इनकी रचनाएं हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, जो वर्तमान लघु कहानी है, अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नहीं। और आज जो हम लोग शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़ने जा रहे हैं, यह इनकी रचना कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है। इज फुल ऑफ बीट एंड एडवेंचर्स नहीं, यह क्या है नहीं, वीट का मतलब होता है विवेक विजडम, तो विवेक और एडवेंचर का मतलब साहसिक कार्य से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, रीडर की उत्तेजना, इज बिल्ट अप, बनाया गया है थ्रू द एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेसी का मतलब यथार्थ रूप से सही सही, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी और गहरे हास्य ऑफ मालगांवकर नैरेटिव नहीं, मालगांवकर के जो नैरेटिव है, नैरेटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, नैरेटिव का मतलब होता है कथा नहीं, कथावाचक जिसको कहते हैं कथाकार, तो मनोहर मालगांवकर के नैरेटिव के प्रोफाउंड कॉमेडी और एक्यूरेसी से यह बनाया गया है नहीं, बहुत ही अच्छी आज के समय की बहुत ही अच्छी यह रचना है, शॉर्ट स्टोरी है। तो मैं आपको इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट स्टोरी में कह क्या रहा है। ध्यान रखिएगा कि यह जो शॉर्ट स्टोरी है वो आज के परिदृश्य पर आधारित है नहीं, आज हम लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नहीं, जो MLA या MP होते हैं उन्हें हम लोग जिता देते हैं नहीं, अपने वोट के माध्यम से, और जिताने के बाद वे बहुत सारे ऐसे वादे करते हैं जो पूर्ण नहीं होते हैं, और वादे करके वे फिर 5 साल के बाद ही फिर वोट के लिए ही हमारे दरवाजे पर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर नानू काका मनोहर मालगांवकर के मामा जी हैं, और मनोहर मालगांवकर ने नानू काका के इस नहीं इस जो दृष्टिकोण है कि आज के समय का कि आप नेता से अगर आपको मिलना है तो आप मिल नहीं सकते हैं नहीं, नेता से मिलना मतलब भगवान से मिलने से भी ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को नानू काका ने दर्शाया है कि किस तरह से विभिन्न तरह के एक्सक्यूज लेकर के विभिन्न तरह के नहीं झूठे बातों को लेकर के और नानू काका
सफल हो जाते हैं नेता से मिलने में, नहीं, उसी चीज को यहां पर दर्शाया है। देखिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट, मदर्स अनाउंसमेंट, माँ की उद्घोषणा, सुख मी मुझे हिला दिया, नानुका का इज कमिंग शी सेड, उसने कहा, माँ ने कहा कि नानुका का आ रहे हैं, और इस बात से मनोहर मालगांवकर कह रहे हैं कि माँ ने जो कहा उससे मैं हिल गया, नहीं चुप कर दिया। सेकंड में कह रहा है ओ माय गॉड आई सेड, और मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि ओ माय गॉड मतलब आश्चर्य से, Couldn't we send him a wire? क्या हम लोगों ने उन्हें संदेश नहीं भेजा था? Saying कहते हुए, we are leaving, हम लोग छोड़ रहे हैं, that I am transferred or something, क्यों छोड़ रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, नहीं बदली हो गया है या कुछ और चीजें हैं, नहीं। यहाँ पर मनोहर मालगांवकर ने अपनी माँ से कहा, जब माँ ने उन्हें यह संदेश दिया कि तुम्हारे नानू का आ रहे हैं, तुम्हारे मामा जी आ रहे हैं, इस पर मनोहर मालगांवकर का एक जो एक्सप्रेशन था वह इस तरह से निकला, हैड नो डियर मदर शेड, माँ ने कहा नहीं मेरे प्रिय, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, नहीं वे नहीं, मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन मतलब यहाँ नेसेसिटी आवश्यकता बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्फैटिक है, स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस है, जिसने कहा कि नहीं वे अवश्य पहले से ही ट्रेन पर होने चाहिए, नहीं वे ट्रेन पर होंगे। बिसाइड्स इसके अलावा शी एडेड रीअश्योरिंगली, और माँ ने नहीं फिर से आश्वस्त करते हुए कहा, कही ही सेज, वे कहते हैं, ही का मतलब कौन, नानू काका, ठीक है, ही कैन नॉट स्टे हियर फॉर मोर देन टू और थ्री डेज, वे अधिक से अधिक दो या तीन दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते हैं, नहीं फॉर मोर देन टू और थ्री डेज मतलब दो या तीन दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते हैं। वट इज ही कमिंग टू डेली फॉर इन दिस सीट, नानू काका ने कहा यहाँ पर, एक वर्ड है यहाँ देखिए, वाट के साथ लास्ट में फॉर लगा दिया गया है, इसका मतलब होता है किस लिए, तो यह हो गया वट इज ही कमिंग टू डेली फॉर इन दिस सीट। नानू काका के बारे में मनोहर मालगांवकर ने कहा कि इस गर्मी में वे दिल्ली किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। फाइव, he wants to see some minister, नहीं वे कहते हैं कि वह किसी नहीं उन्हें किसी मंत्री से मिलना है, नहीं मिलना चाहते हैं। he wants to see, he wants to see, या want का प्रयोग हम लोग खूब यूज करते हैं, I want to play, मैं खेलना चाहता हूँ, नहीं he wants to कम वह आना चाहता है, she wants to love you, वह तुम्हें प्रेम करना चाहती है, नहीं इस तरह से वांट का यूज करते हैं। और यहाँ एक वर्ड दिया है, नहीं शी, शी का मतलब मिलना भी होता है और देखना भी होता है, ठीक है, मिलना का अर्थ भी आता है और देखना का भी अर्थ आता है। और सम मिनिस्टर, देखिए यहाँ सम मिनिस्टर, सम जो वर्ड है यह सम वर्ड तीन तरह से वर्क करता है, ठीक है, यह देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि यह संकेतवाचक विशेषण है, नहीं जो नहीं नियरर या फार्दर थिंग को यह डिनोट करता है, तो यहाँ पर शम के साथ क्या आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और शम एक क्वांटिटी को भी बताता है, इसीलिए यह क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, नहीं जैसे कुछ चाय, शम टी, शम कॉफी, इस तरह से, और यह नंबर को भी बताता है, इसलिए से हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है, जैसे शम पर्सन, शम मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर आप देखें शम मिनिस्टर्स तो है नहीं, तो यह कैसा काम कर रहा है, यह डेमोन्स्ट्रेटिव की तरह काम कर रहा है, नहीं मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में शम का यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं, शम का यूज करते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम लोग एनी का यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ he wants to see some minister, अर्थात वे कोई मंत्री से मिलना चाहते हैं।
वक्त नहीं, नानू काका के इस बात पर मनोहर मालगांवकर का एक आश्चर्यजनक विचार यहाँ पर एक्सप्रेशन आया। वक्त क्या? दैट मीन्स, इसका मतलब है ही विल बी हियर फॉर वीक्स, वे यहाँ सप्ताहों रहेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल, मिनिस्टर्स जो है वह लोगों से नहीं मिलते हैं, फॉर वीक्स मंथ्स, कहा कि सप्ताहों तक महीनों तक नहीं मिलते हैं। ओ माय गॉड, नहीं यहाँ ओ माय गॉड या आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं मनोहर मालगांवकर अपनी माँ के उस उद्घोषणा पर, जो माँ ने बताया कि नानू काका आ रहे हैं, वे ट्रेन में हैं। और इस पर वे माँ ने ये भी बताया कि वे किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। इस बात पर मनोहर मालगांवकर ने कहा कि मिनिस्टर से तो मिलने में सप्ताहों महीनों लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। If you, your नानू काका wants to see a minister, अब यहाँ कहते हैं मनोहर मालगांवकर की, अगर तुम्हारे नानू काका मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, नहीं यहाँ माँ कह रही है, ठीक है, यहाँ पर मदर शर्मा ने कहा, तो अगर तुम्हारे नानू काका एक मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, I'm sure, मैं आश्वस्त हूँ, he will manage to see him, वे उनसे मिल सकेंगे, नहीं मिल लेंगे। मदर शर्मा ने कहा, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, नहीं दिन या रात में किसी भी समय वे मिनिस्टर से मिल सकेंगे, मिल लेंगे, नहीं मुझे, अरे मैं श्योर हूँ, मैं सर्टेन हूँ। तो माँ ने नानू काका के बारे में मदर मालगांवकर को, नहीं जो को कहा कि तुम चिंता मत करो, वे नहीं टाइम किसी भी दिन या रात में नहीं मिनिस्टर से मिल लेंगे। एट देखिए, मदर has always been very loyal to her side of the family. Loyal का मतलब क्या होता है? Loyal का मतलब faithful होता है, ठीक है, faithful means विश्वासी। नहीं तो यहाँ पर मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि माँ जो है हमेशा has been लगा हुआ है, रही है, very loyal, बहुत विश्वासी to her side of the family, अपने परिवार की ओर से। तो माँ अपने परिवार की ओर से बहुत ही लॉयल, विश्वासी रही है। एंड आफ्टर ऑल, और आखिरकार नानू काका इज हर ब्रदर, नानू काका उनके भाई हैं। आई ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ मैं, मे हैव समथिंग ऑफ ए कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, मैं क्या हो सकता हूँ, तो मिनिस्टर्स के बारे में कुछ कम्प्लेक्स हो सकता हूँ, कम्प्लेक्स का मतलब जटिल हो सकता हूँ, ठीक है। आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, और मैं क्या हूँ, अंडर सेक्रेटरी का मतलब हो गया कि सेक्रेटरी के अंतर्गत हूँ। ऑन प्रोबेशन, नहीं अब यहाँ पर देखिए प्रोबेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोबेशन का अर्थ क्या होता है, तो प्रोबेशन का अर्थ होता है कि अगर आप किसी को कुछ समय के लिए रखे हुए हैं, नहीं, और वहां पर उसके परफॉर्मेंस के आधार पर उसको प्रोन्नति मिलेगी, ठीक है, तो वहाँ हम लोग क्या कहते हैं उसे, उसे हम लोग प्रोबेशन कहते हैं, नहीं तो प्रोबेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एन अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एन एम्प्लॉय, नहीं हु हैज बीन employed, नहीं, and can be fired away, fired out after poor performance. तो यहाँ पर यह बताया, ठीक है, यहाँ तक तो यह कह रहा है कि मैं क्या हूँ, अंडर सेक्रेटरी में हूँ और प्रोबेशन पर हूँ, मतलब एक समय सीमा के अंतर्गत हूँ और मैं नहीं परमानेंट नहीं। एंड एज शच टेंड टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग टू स्टेप्स हायर देन गॉड, और मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि ऐसे प्रशिक्षण नहीं, टू रिगार्ड मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स को सम्मान देने का जो ऐसा प्रशिक्षण है वह कैसा है, जैसे भगवान से दो कदम आगे होना है, नहीं अर्थात कि आप भगवान जो मिनिस्टर से मिलना है वह क्या है,
वह मनोहर मालगांवकर के लिए वह भगवान से दो कदम आगे है। नहीं मतलब वे क्या है, अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं, वे प्रोबेशन पर हैं, तो यह उनका जॉब नहीं है कि वे मिनिस्टर से मिल सके। द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर, और सेक्रेटरी क्या है, बस एक कदम आगे है। I was waiting on the platform. मैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहा था। When the train came in, जब ट्रेन आई, नानू काका stood in the doorway of a second class carriage. नानू काका द्वितीय श्रेणी के डब्बे के द्वार पर खड़े थे। नहीं, doorway, doorway का मतलब क्या होता है, द्वार। A striking, अभी हम देखें appearance दिया है, सो आपको दिखा रहे हैं। And a striking figure, एक आकर्षक व्यक्तित्व, white haired, उजले बाल, with an impressive mustache, और प्रभावशाली मूछ। He still wears the old fashioned knee length black coat, और वे अभी भी नहीं पुराने फैशन के घुटने तक की लंबाई वाले ब्लैक कोट पहनते हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डेक्कनी ब्राह्मण, और डेक्कनी ब्राह्मण के नहीं रेड लाल सिल्क वाले पगड़ी लगाते हैं। एंड रैप्स अ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स के चारों तरफ अंगोछा को लपेटते हैं। ठीक है, डेक्कनी ब्राह्मण तो आप जानते हैं जो साउथ वाले होते हैं, साउथर्न प्लेटू को हम लोग डेक्कनी कहते हैं। तो यह इस तरह से यहाँ पर नानू काका के बारे में अपीयरेंस दिया है कि नानू काका किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, टेन नंबर देखें। एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं उनके पास गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उसने मुझे एक बास्केट नहीं सौंप दिया। टेक दिस आउट क्विक, तेजी से इसे ले लो, ही विस्पर्ड, उसने विस्पर्ड का मतलब टू स्पीक इन अ लो साउंड, धीमी आवाज में कहा। आई ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, और मैं तुमसे स्टेशन के बाहर मिलूंगा। 11 देखिए। आई आस्क्ड नो क्वेश्चंस, मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। आई टक्ड द बास्केट अंडर माय आर्म, मैंने नहीं अपने बाजू में नहीं आर्म्स में, आर्म में क्या किया, उस बास्केट को टक कर लिया। टक का मतलब क्या होता है, ऐसे लगा लेना, नहीं उसको घुसा लेना, अपने आर्म में लगा रख लेना। एंड टर्न, और घूम गया। ओनली टू बम्प इनटू ए इनॉर्मस मरवाली वुमेन, और जैसे ही घूमा तो केवल बम्प इनटू का मतलब क्या होता है, बम्प इनटू का मतलब होता है टकरा जाना, टू कोलाइड। ठीक है, और एक विशाल मरवाली वुमेन से टकरा गया। Who had her head covered in a burqa, जिसने क्या किया था, बुरका में अपनी हेड को ढक ली थी। But my apologies were drawn, लेकिन मेरी क्षमा याचना नहीं, drawn का मतलब क्या होता है, डूब गया, नहीं नीचे हो गया। By the steam sounds emanating from the basket, basket से नहीं आ रहे विचित्र आवाज से मेरे जो apologies थे, मेरे जो क्षमा याचना था, वो दब गया। The protests of an outraged kitten, और वह क्या था, एक क्रोधित बिल्ली के की तरह बचाव किया। Spits, struts, mews, नहीं इस तरह से वह बचाव किया, नहीं अर्थात यहाँ पर जब वह मनोहर मालगांवकर नहीं नानू काका के बास्केट को लेकर के जैसे ही बाहर की ओर निकलना चाहे तो उन्होंने टर्न किया तो एक मारवाड़ी जो विशाल मारवाड़ी वुमेन थी उनसे टकरा गया, और वह मारवाड़ी वुमेन बुरके में थी नहीं, और इसीलिए वह जैसे ही अपोलोजिस मांगना शुरू किया तो अपोलोजिस उनके नहीं दब गए, क्योंकि बास्केट से एक इमेंटिंग नहीं एक आवाज़ आ रही थी, एक विचित्र तरह के साउंड जो है वो आ रही थी। आई डक्ट एंड रेन, ठीक है यहाँ पर कह रहा है कि मैं आई डक्ट मतलब तो धीरे से निकल जाना और दौड़ गया। And mingled with the crowd, और भीड़ के साथ मिल गया। And squeezed through the gate in the wake of a Sikh marriage party. नहीं, squeeze का मतलब निचोड़ना होता है, नहीं तो
गेट से निचोड़ना का मतलब क्या, निकल गया जाना, नहीं, वह गेट से होते हुए निकल गया, जहां गेट पर क्या था, इन द वीक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, और क्या हो रहा था, तो सिख मैरिज पार्टी में नहीं, वहां पर इन द वेक ऑफ उसके उपलक्ष में नहीं, यह एक पार्टी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सिख मैरिज पार्टी और इन द वेक ऑफ, आप देख लीजिए इन द वेक ऑफ का मतलब क्या होता है, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, नानो काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत देर, नहीं बहुत देर के बाद आ रहे थे। द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और स्टेशन का जो क्षेत्र था वह लगभग खाली था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन, नहीं और लास्ट टांगा भी चला गया था। When he emerged, जब वे आए, नहीं emerge का मतलब प्रकट होना, जब वे appear हुए तो वह last टांगा भी चला गया था। Escorted by a fawning ticket collector, नहीं और किसके द्वारा लाए जा रहे थे, एक fawning, fawning का मतलब होता है चापलूस, ठीक है, यह fawning का मतलब चापलूस कह सकते हैं। तो एक चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के द्वारा लाए जा रहे थे और वहां प्रकट हुए थे। No room in the third class, नहीं third class में कोई room नहीं है। And they wouldn't issue second class tickets, और उन लोगों ने second class ticket भी नहीं दिए, without reservation, नहीं reservation के बिना उन लोगों ने second class ticket भी issue नहीं किया। नानू काका explained as he came up to me, नानू काका ने बताया, व्याख्या किया जैसे ही वे मेरे पास आए। Had to travel second on a third class ticket, और कहा कि third class ticket पर नहीं और second class में यात्रा करना पड़ा। But it was all arranged quite amicably, लेकिन यह सब कुछ बिल्कुल मित्रवत रूप से, amicably का मतलब क्या होता है, नहीं मित्रवत रूप से, बिल्कुल मैत्रीपूर्ण रूप से यह नहीं अरेंज हो गया था। Such a nice young man, the Tishi, और उन्होंने कहा कि वह टीशी इतना सुंदर युवा आदमी है। You saw, तुमने देखा, how he even came right out with me, और तब नानू काका ने मनोहर मालगांवकर को कहा कि तुमने देखा कि कैसे वह मेरे साथ ठीक बाहर तक आया है। So that, ताकि there should be no trouble, ताकि कोई परेशानी न हो। The kitten of course traveled free, how is it, और तब कहा इन्होंने कि किटन जो है बेशक स्वतंत्र रूप से निशुल्क यात्रा किया, नहीं ये हाउ इज इट, कैसा रहा यह। 15 वेरी क्वाइट आई सेड, अर्थात मनोहर मालगांवकर ने बहुत ही शांत थे, और परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुली, और शायद यह मृत हो गया है मैंने सोचा आशा से भर, नहीं आशापूर्ण रूप से। 16 नंबर देखिए, We got into the car, और हम लोग कार में अब चल गए। And even before I had changed into second gear, और यहाँ तक कि मैंने second gear ही बदला था, नानू काका ने पूछा, When have you arranged for the ministers to see me? नहीं, means कब तुमने, नहीं मुझे मिलने के लिए मंत्रियों के साथ क्या किया है, वो arrange किया है, नहीं मिलने का arrange किया है, प्रबंध किया है। Can't stay here for more than 2 days, 3 at the most. उसने कहा कि यहाँ मैं नहीं 2 दिन से अधिक नहीं ठहर सकता हूँ, और अधिक से अधिक 3 दिन, ठीक है। 17. It was a time for frankness. और अब यह समय नानू काका को के बारे में मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि अभी अस्पष्टता का समय था। Look अंकर, देखिए अंकर। I said, मैंने कहा, I am merely an under secretary, और मैं क्या हूँ, बस केवल एक under secretary में हूँ। On probation, नहीं और probation पर हूँ, नहीं probation के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि एक period of time में अगर कोई व्यक्ति जो है वो एक occupies करता है किसी place को काम के लिए, और उसका condition होता है कि वह poor performance पर उसे हटा दिया जाएगा, तो probation पर है। And it is more than my job, नहीं और यह मेरी
कार्ड से अधिक है, जॉब से अधिक है, इज वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद मिनिस्टर, और मिनिस्टर के साथ साक्षात्कार के लिए नहीं, पूछने जाने के नहीं योग्य नहीं है। नहीं, यहाँ पर कहा कि यह जो है वो अगर हम मिनिस्टर से इंटरव्यू करें तो यह मेरे जॉब के लायक नहीं है। ठीक है, ओह नानुका का सेठ, नानुका ने कहा ओह आई हैड रादर ऑप्ट। नहीं, यहाँ रादर का मतलब निशंदेह, निशंदेह, मैंने निशंदेह आशा किया था। अब यहाँ देखिए हैड रादर लगा दिया है और होप लगा दिया है, तो ध्यान देना है हम लोगों को। ग्रामर अगर आप पढ़े हैं तो आप पढ़े होइएगा कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिससे कोई काम हुआ नहीं है लेकिन हम आशा, अभिलाषा, इच्छा व्यक्त करते हैं, जैसे एक्सपेक्ट, वांट, होप, है ना, इंटेंड, ये सब वर्ब है। जैसे अगर आई वांटेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था, ठीक है, और मिलना चाहता था और मिल भी लिया, लेकिन अगर हमने लिख दिया कि आई हैड वांटेड टू मीट यू, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता था और नहीं मिल पाया। नहीं, तो जब कभी भी अगर कोई भी चीज आप चाहते थे, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, इरादा रखते हैं, और अगर वह कार्य हो गया तो हम लोग सिंपल पास्ट में बनाते हैं, और अगर वो कार्य नहीं हुआ तो हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास्ट परफेक्ट का आई हैड रादर होप, मैंने निशंदेह आशा किया था लेकिन काम तो हुआ नहीं। ओह आई सी, ओह मैं समझ गया, वेल नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही टुक अ पिंच ऑफ स्नप, और उसने क्या किया, नहीं नानू काका ने नहीं तम बनाए हुए तंबाकू के चुटके लिए, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली ऑन हिज अंगोछा, और अपने अंगोछा पर नहीं कोमल तरीके से अपने फिंगर्स को ब्रश कर दिया, नहीं पोंछ दिया, एंड सैट बैक, और फिर आराम से पीछे बैठ गया, क्लोजिंग हिज आईज, अपनी आंखों को बंद करते हुए, एंड पकड़िंग हिज आईब्रोज एज दो इन डीप थॉट, और यहाँ का पकड़िंग का मतलब सिकोड़ना, अपने आईब्रोज को सिकोड़ा, सिकोड़ा नहीं, पकड़िंग का मतलब सिकोड़ना, तो यहाँ लिख दीजिए सिकोड़ते हो, आईब्रोज को सिकोड़ते हुए, मानो एज दो, मानो इससे में है गहरे विचार में है, गहरे सोच में है, या उसको क्लग्ड हिज टंग, और उसने अपने जीभ को भी क्लग्ड किया, क्लग्ड का मतलब क्या होता है, नहीं काटना, करकराने की आवाज आना, क्लग्ड किया सेवरल टाइम्स, कई बार, इन ए टिपिकली डेक्कनी वे, और विशेष रूप से, कैसे, तो विशेष रूप से डेक्कनी तरीके से, रजिस्टरिंग पीटी, नहीं जो दया नहीं अंकित कर रहा हो, अर्थात डेक्कनी लोग जब दया नहीं रजिस्टर करते हैं, पीटी कर दया को रजिस्टर करते हैं, तो जिस प्रकार से अपने टंग को काटते हैं, नहीं ये अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग नहीं पीटी के लिए, मर्सी के लिए टंग कलेक्ट करता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर नहीं यहाँ किया है कि उसी तरह से ये मनोहर मालगांवकर मामा जी नानुका का कर रहे थे। अब देखिए 19 में, मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, और माँ कहाँ थी, तो दरवाजे पर इंतजार कर रही, हर फेस रेड इन स्माइल, और उनके चेहरे, यहाँ रेड का मतलब घेरना, ठीक है, यहाँ घेरना होता है, तो मुस्कुराहट में घेर चुका था, शी वेंट इन टू स्किल्स ऑफ डिलाइट, नहीं ओवर द किचन, और यहाँ कह रहा है कि स्किल्स ऑफ डिलाइट, स्किल्स ऑफ डिलाइट का मतलब होता है खुशी की किलकारी, ठीक है, तो वे खुशी की खिलकारी, नहीं और वे खुशी की खिलकारी में वहां गए, एंड मेड ए लॉट ऑफ फस ओवर नानू काका, नहीं और नानू काका पर ए लॉट ऑफ फस ओवर का मतलब अत्यधिक ध्यान दिया, नानू काका के ऊपर अत्यधिक ध्यान दिया, ठीक है, यहाँ पर यह फ्रेज है, यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यह एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अत्यधिक ध्यान देना। ठीक है,
I also found, मैं भी पाया, that she had installed him in my bedroom. कि माँ ने क्या किया था, तो मेरे बेडरूम में उनको इंस्टॉल कर दिया था, मतलब उनके बिछावन को मेरे बेडरूम में डाल दिया था, अधिस्थापित कर दिया था, नहीं, so that ताकि I had to put a चारपाई, और जिसके कारण क्या हुआ कि मुझे चारपाई लेना पड़ा, रखना पड़ा फॉर माई सेल्फ, अपने लिए, इन द बैक बरांडा, नहीं पिछले बरांडा में अपने आप के लिए, स्वयं के लिए चारपाई रखना पड़ा, ठीक है. 20. एट मदर्स इंसिस्टेंस, और यहाँ कह रहे हैं कि नानू काका मनोहर मालगांवकर कहते हैं कि एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के नहीं आग्रह पर, जिद पर, आई हैड टेकन टू डेज लीव फ्रॉम द ऑफिस, मैंने ऑफिस से दो दिन की छुट्टी लिया था. एंड इन द आफ्टरनून, और दोपहर में, आई ड्रोव नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक, और मैंने नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक ले गया. ड्रोव का मतलब गाड़ी से ले जाना. ही वेंट इन टू सी द मिनिस्टर, और वे मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, अंदर गए. एंड आई वेटेड इन द पार्क, कार पार्क, और मैंने कार पार्क में इंतजार किया. इट वॉज टू आवर्स, दो घंटे थे, बिफोर ही रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी एस्पियर वर्ड्स. एस्पियर वर्ड्स का मतलब होता है अपशब्द. और दो घंटे हो गए जब वे लौटे, बोलते हुए नहीं, अ कलरफुल मराठी शेयर वर्ड्स, नहीं रंगीन तरह के, अलग अलग तरीके के मराठी के अपशब्द बोलते हुए वे लौटे. आई डिडंट डेयर आस्क हिम, और मैंने उनसे पूछने का हिम्मत नहीं किया. व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था. एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, और बिना शब्द कहे हम लोग गाड़ी से निकल गए. ही कूल्ड डाउन इन अ लिटिल व्हाइल, और कुछ ही देर में वे शांत हो गए. दो एंड शेड, और कहा, टू आवर्स, दो घंटे, आई स्पेंट, मैंने बिताया. Being transferred from one chaprasi to another, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक, transfer means भेजे जाते हुए. Trapping through the corridor, ठीक है, और corridor से क्या करना, trapping करना. Trapping का मतलब इधर उधर भटकना, ठीक है. Trapping का मतलब होता है इधर उधर भटकना, तो इधर उधर भटकते हुए और कॉरिडोर से इस एक चपरासी से दूसरी तरफ चपरासी तक ट्रांसफर किए गए. एंड इन द एंड, और अंत में, सक्सेडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट, और सफल हुआ नहीं डिप्टी सेक्रेटरी से एक अपॉइंटमेंट लेने में, नहीं और सफल हुआ. 3 days फ्रॉम नाउ, जो अभी से कितने दिन के बाद है, 3 दिन के बाद. शैमफुल शैमफुल, शर्मनाक शर्मनाक. And there was another series of Marathi expletives. ठीक है, expletives का मतलब फिर यहाँ हो गया अपशब्द. तो यहाँ पर दूसरे जो मराठी के अपशब्द से हुए, उसके नहीं सीरीज, उसके श्रृंखला निकलना शुरू हो गया. इन्हें लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, और भाषा संबंधी आपात स्थिति में, माई अंकल ऑलवेज, मेरे मामा जी हमेशा, टर्न टू हिज मदर टंग, हमेशा अपनी मातृ भाषा में टर्न को जाते थे, ठीक है, मतलब बदल लेते थे. अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है. डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कौन आ रहे थे, वो नानू काका आ रहे थे. नानू काका नहीं, यहाँ पर लिख दीजिएगा नरेटर्स मैटरनल, ठीक है. The narrator was dash on permission, तो under secretary लिख दीजिएगा, वहाँ ऊपर दिया हुआ है under and under secretary. ठीक है, नानू काका was to stay for 2 days नहीं और 3 at the most. Nanuka was coming to Delhi to Prime Minister. Das informed the Under Secretary about Nanuka's visit.
नानू काका विजिट के लिए अंडर सेक्रेटरी को किसने इन्फॉर्म किया? तो वह चपरासी था ना, तो चपरासी ठीक है। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट ए चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैकग्राउंड बिकॉज, क्यों? क्योंकि उनका जो रूम था नरेटर्स रूम में कौन इंस्टॉल कर दिया गया था, तो उनके नानू काका, बिकॉज नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन हिज ठीक है। नानू काका वाज रिलेटेड टू नरेटर एज ही वाज हिज मैटरनल अंकल ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन जो है आपको लास्ट में करवा। चलिए, बहुत लंबा चैप्टर है इसीलिए हाफ चैप्टर आज पढ़ेंगे और हाफ चैप्टर के जो रिमेनिंग पार्ट है वे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए 22, अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। गार्निश का मतलब क्या होता है? सुंदर, प्रीटी ठीक है। तो एक सुंदर येलो स्पोर्ट्स कार, पीले रंग का स्पोर्ट्स कार फ्लैश पास्ट अस, हम लोगों से होते हुए गुजरा। नहीं, फ्लैश, फ्लैश का मतलब तो होता है कि कोई चीज फ्लैश कर गया, मतलब वहां पर, यहाँ पर पास्ट करने के अर्थ में है गुजरा। ब्लेयरिंग इट्स हॉर्न, हॉर्न को बजाते हुए इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। नहीं, अनइंटरप्टेड का मतलब क्या होता है? निरंतर आवाज में। एंड द यंग मैन एट द व्हील, और एट द व्हील का मतलब क्या होता है कि जो ड्राइवर्स का सीट होता है, तो वहां पर एक यंग मैन वेव्ड हिज हैंड एट मी, मुझ पर हाथ हिलाया ठीक है। वेव का मतलब हिलाना। व्हाट अ रूड मैन हु वाज दैट, नानू काका, नानू काका ने पूछा वो कौन है, वो इतना रूड मैन कौन है। रूड का मतलब अशभ्य आदमी कौन है। 24 में देखिए, चैप कॉल्ड रतिराम ठीक है। चैप का मतलब छोकरा होता है, लेकिन आदमी है, लिए आदमी जिसे रतिराम कहा जाता है। वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, और नहीं, जिस मिनिस्ट्री में मैं काम करता उसी सेम मिनिस्ट्री में काम करता है। आई सी, मैं समझ गया। नहीं, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यू नो द एम्बेसडर। यहाँ पर देखिए, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग, नहीं उसके, यहाँ पर के आप जानते हैं, मतलब नानू काका को मनोहर मालगांवकर ने कहा कि आप जानते हैं कि नहीं, ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बलकत अली, नहीं उसके जाने के बारे में कुछ टॉक थी, कुछ बातचीत थी। द एम्बेसडर, नहीं देवदूत, नहीं देवदूत या राजदूत के रूप में, बट देश से, लेकिन उन लोगों ने कहा इट्स ऑल ऑफ नाउ, लेकिन यह सब अब समाप्त हो गया है। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, और मैंने बस यह वार्तालाप में कह दिया। नहीं, यहाँ पर मनोहर मालगांवकर ने उस इसके बारे में, यह जो रतिराम है इसके बारे में इन्होंने बताया, यह रतिराम नहीं एक बार कहा ट्रेड कमिश्नर के रूप में हजरत बलकत अली जाने वाला था, लेकिन वहां के जो एम्बेसडर थे वे ने कहा कि यह सब अब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, वह समाप्त हो गया ट्रेड कमिश्नर का जो पद था, और मैंने इस तरह की बातें नानू काका से कही। व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट, तुम्हें क्यों नहीं भेजा जाता है, ऑन वन ऑफ दिस फॉरेन असाइनमेंट्स, इन विदेशी कामों में एक पर क्यों नहीं भेजा जाता है, नानू काका, आस नानू काका ने पूछा। To get sent on a foreign assignment, और विदेशी कामों पर भेजा जाना is in the same category, ठीक उसी वर्ग में है as getting an interview with a minister, नहीं जिस प्रकार से मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू लेना उसी तरह से है। अंकल, आई सेड, मैंने कहा somewhat unkindly, नहीं somewhat का मतलब बहुत हद तक, unkindly means कठोरता से। It takes full, नहीं और यह क्या कर लिया, पुल, यह पीछे की ओर से खींच लिया ठीक है। अर्थात इट टेक्स पुल का मतलब क्या हो गया कि वो इसे पीछे की ओर खींच लिया। जिसके बाद रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, मतलब वह अपनी बातों को फिर पीछे की ओर ले गए, और कहां पर, तो सोहनलाल के बारे में, नहीं मनोहर मालगांवकर ने कहा कि रतिराम जो है
वह सोहन लाल रति राम का बेटा है। आप जानते हैं यह पार्टी बॉस इन दिल्ली, दिल्ली में पार्टी बॉस कौन है? सोहन लाल रति राम, और इसका बेटा रति राम है, ठीक है। 29 नानुका का सेटअप विद द जर्क, और एक झटके के साथ पीछे आराम से नानुका का बैठ गया। व्हाट वाज दैट, क्या था? व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने? सोहन लाल रति राम सन, सोहन लाल रति राम का बेटा। हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कितना असाधारण। वेल वेल, अच्छा। ही लीन बैक इन हिज सीट, और वे नहीं अपने सीट पर पीछे की ओर झुक गए। एंड स्टेयर्ड एट मी, और मुझ पर नहीं टकटकी लगाकर देखा। फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी समय तक। नाउ लेट मी सी, और अब मुझे बताओ। यू गॉट अ क्लोज कलर जोधपुर कोट, हैवंट यू? नहीं, यहाँ पर पसंद टैग है, और कहा कि तुम्हारे पास नहीं बंद कॉलर जोधपुर कोट है ना? गुड, अच्छा। एंड यू कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम टर्बन बांध सकते हो? नहीं, टर्बन का मतलब पगड़ी बांध सकते हो? नो, नहीं। वेल, अच्छा। I'll have to put it on you. नहीं, और तब नानुकाका ने कहा कि मैं तुम पर यह बांध दूंगा। Although, yet be, I am no expert. नहीं, मैं निपुण नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम पर यह पगड़ी बांध दूंगा। This tie and collar business is no good these days. नहीं, और ये टाई और कॉलर का जो कार्य है यह इन दिनों नहीं अच्छा नहीं है। Let's go home. चलो घर। After you have changed, और जब तुम्हारे बदलने के बाद, विल गो एंड सी, हम लोग चलेंगे और उनसे मिलेंगे। नहीं, सी हूँ, किससे मिलेंगे? 31 देखिए, वाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स, क्यों? बेशक सोहन लाला सोहन राम से। डू यू नो हिम एट ऑल? और तब नानू काका से मनोहर मालगांवकर ने पूछा, क्या आप उसे तनिक भी जानते हैं? 33 ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं। नानू काका से, नानू काका ने कहा कि बिल्कुल नहीं। आई चेंज इन टू जोधपुर कोट, और मैं जोधपुर कोट में बदल लिया, जोधपुर कोट में पहन लिया मैंने। एंड अंकल, नानू काका टाइड ह्यूज ऑर्गन और ऑरेंज टर्बन अराउंड माय हेड, और नहीं मामा, नानू काका ने मेरे सर के चारों तरफ एक विशाल नहीं एक बड़ा जो है वह ऑरेंज टर्बन बांध दिया। एक्ट एज मानो तो यू वर माय एयर, एयर का मतलब ड्राइवर से होगा, नहीं ए सॉर्ट ऑफ एडिशनल नहीं डिप्टी सेक्रेटरी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं या ड्राइवर के रूप में। तो मानो कि तुम मेरे क्या हो, एयर हो, ड्राइवर हो, ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, एक तरह का एडीसी हो। ही कॉशन्ड मी, उसने मुझे चेताया नहीं सावधान किया। एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल साउथ, जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर प्रस्थान किए, ठीक है। स्टार्ट फॉर का मतलब क्या होता है? लिव फॉर। स्टार्ट फॉर का मतलब होता है लिव फॉर, ठीक है, प्रस्थान करना। 35 देखिए, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स, और एक सचिव स्पॉटलेस में साफ सुथरा व्हाइट क्लॉथ्स में रिसीव्ड अस, हम लोगों को नहीं रिसीव किया। एंड शोड मी अस, हम लोगों को दिखाया, इनटू ए कूल व्हाइट रूम, नहीं एक ठंडे साफ सुथरे रूम में को दिखाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारे काम को पूछने से पहले उन लोग ने उसने क्या किया, तो एक जो साफ सुथरा ठंडा रूम था उसमें हम लोगों को बैठा दिया। वेरी पोलाइटली, बड़ी ही विनम्रता से। 36 लेके, जस्ट ड्रॉप्ड इन, और तब यहाँ पर क्या कह रहे, जस्ट ड्रॉप्ड इन, और तब एक तरह से ड्रॉप इन का मतलब मिलना, नहीं बस मिलना था नानू काका ने कहा, नहीं यहाँ पर ड्रॉप इन यूज कर लीजिएगा मिलना कैसे, बस यूं ही मिलना था, ठीक है। यह नानू काका कह रहे हैं कि बस हम लोग क्या था, मिलना था नानू काका से कैजुअली, नहीं आकस्मिक रूप से नानू काका ने कहा। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स कन्वेंशन, और मैं यहाँ क्यों आया था, तो जमींदार के सम्मेलन में, ठीक है, सम्मेलन होता है, कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन, तो जमींदार लोगों के कन्वेंशन के लिए दिल्ली आया था। ए रदर अनऑफिशियल गैदरिंग यू नो, और आप जानते हैं कि यह निशंदेह क्या था,
अनऑफिशियल गैदरिंग था। अनऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि एक अनाधिकारिक नहीं, यह जमावड़ा था। सिंस चूंकि वी जमींदार्स आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, नहीं, और निश्चित रूप से यहाँ कहा कि चूंकि हम लोग जमींदार जो है नहीं वह इन दिनों लोकप्रिय नहीं है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, नहीं, और वाइस प्रेसिडेंट ने एक संदेश भी भेजा है। ही वॉन्ट्स टू सी मी, और वह मुझसे मिलना चाहते हैं। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो, लेकिन कल तक वे वॉशिंगटन से नहीं लौट रहे हैं। आई थॉट, मैंने सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी, नहीं, तो मैं लाला जी से भी मिल सकता हूँ। एंड टेल हिम, और उनसे बता सकता हूँ, वट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, नहीं, कि किस प्रकार के प्रबंध हम लोग जमींदार ने नहीं कृषि वोट के लिए किया है। नानुका का सॉर्ट ऑफ ट्रेल ऑफ, नहीं, यहाँ पर ट्रेल ऑफ का मतलब यहाँ यूज करेंगे हम लोग कि धीरे धीरे अपना कोई भी काम समाप्त करना, कोई प्रभाव समाप्त कर देना। तो नानुका ने एक प्रकार से अपने प्रभाव को समाप्त कर दिया, कमजोर पड़ गया वहां पर, नहीं, जो वे कहना चाहते थे सेक्रेटरी से, उस सेक्रेटरी ने उससे इस बात से कोई प्रभाव नहीं मिला, नहीं प्रभावित नहीं कर पाए नानुका का, तो नानुका का वे ट्रेल ऑफ हो गए। एंड कुड शी, और मैंने देख सका, दैट शी वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन, वे उस पर कोई प्रभाव नहीं बना पा रहे थे। ऑन द सेक्रेटरी पर, हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, जो बस विनम्र हो रहा था और सुरक्षित रूप से निभा रहा था। आई हैव टू सी वेदर लाला जी इज फ्री, और तब कहा कि मुझे नहीं, आई हैव टू सी, मुझे देखना था कि क्या लाला जी नहीं फ्री है। सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी ने कहा कि he seldom sees all visitors without a previous appointment, नहीं, और वे शायद मिलते हैं किसी भी विजिटर से नहीं प्रीवियस अपॉइंटमेंट के बिना, पहले से जो अपॉइंटमेंट है अर्थात जो समय दिया गया है उसके बिना किसी विजिटर से शायद ही मिलते हैं, नहीं, ठीक है ना। तो he seldom sees, और यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा था जो रुक गया, और उसके बाद यहाँ विजिटर्स सेल्डम सीज विजिटर्स विदाउट अ प्रीवियस अपॉइंटमेंट, ठीक है, बिना अपॉइंटमेंट के मिलते हैं। यहाँ पर ईआर का कोई ऐसा मतलब नहीं है, वह बोलने के क्रम में कुछ कहना चाहता था और वह रुक गया, उसके बाद वह आगे क्यों ए करते हुए विजिटर्स। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी निश्चित रूप से नहीं फ्री होंगे, फुर्सत में होंगे। बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि बगल वाले रूम से वी कुड जस्ट हियर, हम लोग केवल सुन सके, द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का, हुक्का के नहीं निरंतर गड़गड़ाहट की आवाज़ को। अनहरीड का मतलब क्या होता है कि जो बिना किसी रोक टोक का है, नहीं, हरी का मतलब तेजी करना, तो यहाँ पर अनहरीड का मतलब बिना हरवरी का आराम से, ठीक है, हुक्का के गड़गड़ाहट को सुन सकते। एंड देन वी कुड हियर, और तब हम लोगों ने सुन सका, द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और कौन उनसे कौन बात कर रहा था, हॉटी, हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, ठीक है, वह घमंडी जो सेक्रेटरी था उनसे बात कर रहा था। व्हाट डे इज इट टुडे, नानुका का आसमी, नानुका ने मुझसे पूछा कि कौन सा दिन है आज। आई थॉट शी वॉज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, और मुझे क्या लगा कि वे नहीं थोड़ा सा जोर की आवाज में बोल रहे थे। ट्यूजडे, मंगलवार, आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा। 21 में, ओह, ओनली ट्यूजडे, केवल मंगलवार, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे, और सोचो कि संडे को आई वॉज इन बेरुत, मैं बेरुत में था। अमेजिंग इजंट इट, आश्चर्यजनक है ना। I swallowed hard, amazing, I agreed, नहीं, और मैं इस चीज को बड़े ही कठिनाई से निगला, मतलब उनकी बात से चूंकि सहमत नहीं हुए लेकिन उनकी बात को हामी भरते हुए और मनोहर मालगांवकर ने हाँ कह दिया, उनसे सहमत हो गए बेरुत के बारे में जो उन्होंने कहा।
संडे को मैं बेरूत में था ना, तो इस बात को वे नहीं किसी तरह वे हार्डली नहीं हार्ड रूप से वे स्वेल आउट कर पाए, मतलब उसको बचा बचा पाए, ठीक है। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, अगर यदि मैं हजरत की बातें सुना होता, आईड का मतलब आई वुड स्टिल बी अब्रोड, मैं अभी भी विदेश में होता। नहीं, यहाँ पर देखिए यह हैड प्लस वी थ्री लगा दिया, वुड प्लस वी थ्री भी वुड प्लस वी वन है, मतलब यह एक अनफुलफिल एक्शन की बात कर रहा है कि अगर मैं हजरत की बात सुना होता, नहीं तो कहाँ होता, हजरत की बात सुनता तो विदेश में ही हो जाए होता, नहीं हजरत बलकतरी की बात करता। ओल्ड एच पी वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर, और वह ओल्ड एच पी जो है वह केवल नहीं विदेश मंत्री में मुझे खींच रहा था, नहीं खींचने के लिए वह मर रहा था, वह वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी, मुझे खींच रहा था। नहीं 44 The steady gurgling of hookah in the next room, और बगल वाले जो रूम में हुक्के का जो नहीं गड़गड़ाहट था, जो स्टेडी स्थिर गड़गड़ाहट था, had suddenly stopped, एकाएक रुक गया। नहीं 45 What did you say? तुमने क्या कहा? नानू काका ने पूछा। Although I hadn't even opened my mouth, और यहाँ तक कि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था, why didn't I stay back? नहीं तो कहा कि मैं यहाँ वहां क्यों वापस चला गया, नहीं वहां क्यों रह गया। यू नो तुम जानते हो हाउ इट वॉज विद एच बी, तुम जानते हो कि कैसा एच बी के साथ था। द लास्ट टाइम अंतिम समय वेन ही वॉज इन जेनेवा, जब वह जेनेवा में था, गॉट मी इन्वॉल्व इन द कॉटन टॉक्स, तो क्या किया, कॉटन के वार्तालाप में मुझे इन्वॉल्व किया, शामिल किया। बिसाइड्स इसके अलावा From Bombay, SK had been sending me cable after cable, और बॉम्बे से SK संदेश पर संदेश भेजता रहा था। अब यहाँ पर देखिए SK कौन है यह नहीं बताया गया है, अर्थात यह क्योंकि सेट्रिकल है, व्यंगात्मक है, और इन दिनों जो नेता से मिलने का तरीका होता है नहीं, उस आप अगर सीधे रूप से उनसे मिलना चाहते हैं तो आप नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जब आप नहीं किसी गलत तरीके से या आप एप्रिसिएशन उनको चापलूसी से अगर आप मिलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर मनोहर मालगांवकर और उनके मामा जी नानू काका इन दोनों के बीच में चल रहा है। तो आज हम लोग 45 तक पढ़ चुके हैं और 45 के बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 46 से यहाँ से हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा, बहुत लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर फिर हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, 46 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, एक एक लाइन मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बता दिया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे, और इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो मैंने बता दिया है, आप उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग, थैंक यू।